वेलकम टू श्रवीज किचन। आज मैं आपको साबुदाने की टिक्की के बारे में बताने जा रही हूँ। ये बहुत ही कम समय में बहुत आसानी के साथ बनाई जा सकती हैं और ये स्पेशली व्रत में खाई जाने वाली टिक्कियाँ हैं। साबुदाने की टिक्की बनाने के लिए हमको जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो इस प्रकार हैं। ये बॉयल किए हुए आलू हैं, ये साबुदाना है भीगा हुआ, इसको मैंने 4 से 5 घंटे पहले भिगोया था, उसके बाद पानी इसका निकाल के छान के रखा हुआ है। ये अच्छे से भीग चुका है। ये मूंगफली के दाने हैं, इनको रोस्ट करके मैंने क्रश कर लिया है। ये 2 चम्मच कुट्टू का आटा है, ये सेंधा नमक है, ये लाल मिर्च पाउडर है, ये गरम मसाला है, ये अमचूर है और ये थोड़ा चाट मसाला है। ये कटी हुई अदरक है 1 चम्मच, ये हरी धनिया की पत्ती है, ये हरी मिर्च है कटी हुई और ये कटी हुई गाजर है। सबसे पहले हम बॉईल किए हुए आलू लेंगे, उसको हम मैश कर लेंगे। अब इसमें हम साबुदाना डालेंगे। इसमें क्रश की हुई गाजर मिलाएंगे, ये हरी मिर्च, धनिया की पत्ती, अदरक, अब इसमें हम एक एक करके सारे मसाले ऐड करेंगे। वो गरम मसाला, ये अमचूर है, ये थोड़ा चाट मसाला है, ये क्रश की हुई मूंगफली के दाने हैं, लाल मिर्च पाउडर है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये सेंधा नमक है स्वाद के अनुसार। अब इसमें थोड़ा हम कुट्टू का आटा मिक्स करेंगे। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मैश कर लेंगे। अब हमने इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा के हम इसे टिक्की का शेप देंगे। इस तरीके से हल्के हाथों से इसको हम इस तरीके से टिक्की का शेप देंगे और इस तरीके से हम एक एक करके सारी टिक्कियां तैयार कर लें। अब हमारी सारी टिक्कियां बन के एकदम तैयार हैं, इनको अब हम फ्राई करेंगे। अब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें अब हम टिक्कियां डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल मैंने इसमें नहीं किया है, ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है हमें, क्योंकि हेल्थ का भी ध्यान रखना है। इनको थोड़ा सा चलाते रहेंगे ताकि अच्छे से ये हर जगह से पके। अब इन्हें हम एक एक करके ऐसे पलट लेंगे। ये देखिए टिक्की अच्छे से पक चुकी है, बहुत प्यारा कलर आया इसका। इसी तरीके से बाकी टिक्कियां भी हम फ्राई करेंगे इसमें। टिक्कियों को हम एक एक करके बाहर निकाल लेंगे।
अब हमारे टेस्टी कटलेट बनके तैयार हो चुके हैं। इन्हें व्रत में तो आप खा ही सकते हैं, इसके साथ साथ नॉर्मल डेज में भी आप इसे खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।